हे गाइस, इधर देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ सलार वर्सेस डंकी के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के बारे में, जो कि सही में दोनों के दोनों पर जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं इनकी पोस्टपोन से लेकर के साथ में इनके प्रमोशन तक का, साथ में इनकी टीजर से लेकर के सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सब अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डंकी का क्या चल रहा है। भाई डंकी के जैसे रूमर अभी भी चल ही रहे हैं कि भाई इसे पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन अब ऑफिशियली मेकर्स ने खुद कंफर्म कर दिया गया है कि नहीं भाई, पोस्टपोन नहीं होगी। हाँ, मेकर्स की तरफ से कंफर्मेशन कर दी गई है कि नहीं भाई, जिस टाइम पर रिलीज करने का बोला गया है उसी टाइम पर ही रिलीज होगी डंकी, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। साथ में इसके भाई प्रमोशन के ऊपर भी बात की जा रही है कि भाई इसकी प्रमोशन को भी जोरों शोरों से शुरू करने वाले हैं मेकर्स। साथ में यार इसके एक न्यू पोस्टर के बारे में भी अपडेट निकल के आ रहे हैं कि भाई जब शाहरुख खान के बर्थडे के दिन इसका नया टीजर रिलीज किया जाएगा तो उसी दिन ही हमें इसका नया पोस्टर देखने को मिलेगा। भाई सही में इसके अभी बहुत ज़्यादा क्रेज बना हुआ है और भाई सही में SRK की फैन फॉलोइंग है सही में सर चढ़ के बोल रही है कि यकीन नहीं होता कि फैंस जितने भी हैं ना, बहुत ज़्यादातर कि भाई डंकी का ही वेट कर रहे हैं। भाई मैंने जितने भी वेबसाइट पे देखा है ना, सबसे ज़्यादा लोग जो कमेंट में लिख के बोल रहे हैं ना कि नहीं, हमें डंकी मूवी चाहिए। अब देखना है कि सही में डंकी के साथ साथ क्या क्या होता है, क्योंकि भाई अभी जो होने वाला है ना डंकी विद सलार में, वो देखने के बाद ही मज़ा आने वाला है। अब हम सलार के ऊपर आ जाएँ कि सलार के ऊपर क्या अपडेट निकल के आ रही है। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपको पता ही होगा कि भाई इसका टीजर या ट्रेलर आने वाला है, वो भी भाई इसी मंथ के अंदर। हाँ भाई, यानी 22 तारीख को हमें इसका टीजर या ट्रेलर देखने को मिल सकता है। साथ में भाई एक और चीज़ अपडेट निकल के आ रही है कि इसकी भी प्रमोशन पे बहुत जोर शोर से काम शुरू करने वाले हैं, कि भाई इसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि इसके बाद हमें अभी फ्रांस में इसकी प्रमोशन चली रही है, साथ में इसकी दुबई के अंदर भी इसका प्रमोशन हमें देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे सोर्स अपडेट निकल के जो आए हैं कि इसके अंदर दुबई के अंदर भी इसका प्रमोशन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ भाई, सलार का भी कुछ ज़्यादा ही क्रेज बना हुआ है। ये मत सोचना कि भाई डंकी का बना तो सलार का बिल्कुल ही नहीं है। भाई सलार का भी हाई लेवल पर क्रेज बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर यार, क्योंकि यार जो प्रशांत नील है ना, वो जिस हिसाब से प्रमोशन करके चल रहे हैं ना, यकीन नहीं होता कि यार इस हिसाब से वो प्रमोशन कर रहे हैं। क्योंकि भाई इंडिया में प्रमोशन नहीं कर रहे, वो ओवरसीज में करने की प्लानिंग कर रहे हैं। भाई इस बार ना ओवरसीज से भाई सलार सबसे ज़्यादा कमाने वाली है, इंडिया से तो भाई नो डाउट की कमाने ही वाली है भाई। ठीक है, बात इसकी होगी। साथ में इसके एक और चीज़ के बारे में बता दूं कि इसकी जो जोर जोर से प्रमोशन के बारे में जो बात चल रही थी, ये ज़्यादातर दिसंबर से शुरू होने वाली है। भाई प्रमोशन जो चल तो रहे धीरे धीरे करके, लेकिन जो मेन प्रमोशन शुरू होगा ना, वो दिसंबर के फर्स्ट वीक से बहुत ज़्यादा जोर शोर से शुरू हो जाएगा, चाहे वो SRK की जो डंकी आने वाली है वो हो, चाहे सलार जो आने वाली हो वो हो। ठीक है, बात इसके होगा। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करें कि ये दोनों मूवी कैसी है और कितना कमा सकती है, तो बता दो भाई दोनों की दोनों मूवी के लिए ना बहुत ज़्यादा बंदे वेट कर रहे हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि भाई सलार और डंकी एक साइड रिलीज होने वाली है, यानी 22 दिसंबर को, और भाई उस टाइम पे ये मूवी जब रिलीज होगी ना, तो दोनों के पास भाई जितने भी फैंस हैं ना, दोनों जो मूवी के लिए एक चॉइस बने हुए हैं। ठीक है, कि भाई नहीं हमें ये देखना है, हमें पहले ये देखना है। लेकिन यार मेरा रिकमेंडेशन ये है कि भाई दोनों की दोनों मूवी जाके इन्जॉय करो, क्योंकि दोनों की दोनों अलग ही अलग यूनिवर्स की मूवी, यानी एक बॉलीवुड की एक साउथ की मूवी, और दोनों की दोनों काफ़ी कमाल की मूवी है। तो नो डाउट यार ये मूवी कितना कमा के जाने वाली है, तुम अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है भाई कितना कमा के जाएंगे दोनों की दोनों मूवी, और तुम्हें क्या लगता है भाई कौन सबसे ज़्यादा कमा के जा सकता है, तुम सबसे ज़्यादा किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और तुम सबसे पहले कौन सी मूवी जाकर चेकआउट करोगे जब रिलीज होगी, तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कहीं तक वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बस मैं आज के लिए अलविदा देता हूँ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय।